बहुत शौक है ना इसे मेरी सौतन बनने का, तो एक औरत अपनी सौतन के साथ ऐसा ही सलूक करती है। आज तो आपकी मन्नत बच गई, पर आगे आगे देखिए मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। और आप भी प्लीज अपनी हद में रहिए, वरना मेरे गुस्से का पहाड़ आप पर भी टूट सकता है। सुभान, क्या जरूरत थी इस मनहूस को बचाने की? आराम से, ये मन्नत जिस किसी के भी करीब जाती है ना, उसे तकलीफ में पहुंचा देती है। एक वो फरान था, याद है ना उसके साथ क्या हुआ? तुम्हें भी छोड़ेगी नहीं सुभान, दूर रहो इससे। बुरे लोगों की सोबत में रहने से इंसान तो बुरा होता ही है, उसकी रूह भी खराब हो जाती है। देखो अपने आप को सुभान, जब से ये मन्नत तुम्हारे करीब आई है ना, ना तुम्हारा किरदार सलामत रहा है, ना तुम्हारी हड्डियां। तुम एक मिनट। सूफी बेटा, वो कौन सी डॉक्टर थी जिससे तुम इलाज करा रहे थे? उसको फोन करो जरा। डॉक्टर कश्यप को फोन करो? हाँ हाँ वही, वो आकर एक बार देख लेगी कि कहीं सुभान की कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी है इस बला को बचाने के चक्कर में। मैं बुला के लाता हूँ। बुला कर लाता हूँ क्या? किस जमाने में जी रहा है तू बेटा? मोबाइल का जमाना है, फोन कर देना उसे। हाँ मैं करता हूँ कॉल। दिखाई दी ना तुमने अपनी औकात। चीख चीख के कहा था ना कि ये मेरी जान लेना चाहती है, पर आप में से किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया। अब आपको भरोसा हुआ मुझ पे नानी? अम्मी अम्मी, सच्चाई आपके आंखों के सामने, आप फिर भी मुंह फेर के घड़ी आप ऐसा नहीं कर सकती। सच्चाई जैसे शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते मन्नत, और मेरा सच तो ये यही है। तुम अपने बारे में सोचो, जब तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत सबके सामने आएगी, सुभान के सामने आएगी, तो कहीं मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अपने जमीर से पूछो, तुम्हें पता चलेगा कितनी गिरी हुई हो तुम। दिन रात सुभान के साथ एक ही बिस्तर पे सोने के नाकाम मंसूबे बनाती रहती हो। तुम्हें पता भी है, अगर दुनिया वालों को पता चल गया तो तुम्हें किस नाम से पुकारा जाएगा? किस नाम से पुकारा जाएगा इबादत? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि सब तुम्हें सुभान की। रुक क्यों गई? बोलो ना, लोग मुझे सुभान की क्या बोला इबादत? लोग तुम्हें उसी नाम से बुलाएंगे जो सुनने में बुरा लगता है और महसूस करने में उससे भी ज्यादा बुरा लगता है, जो लफ्ज एक गाली से भी ज्यादा गंदा है। उस नाम से तो मैं किसी को भी ना बुलाऊं। तुम तो फिर भी मेरी बहन हो, मैंने अपनी जबान पर तो काबू कर लिया, पर दुनिया रुकने वाली नहीं है, दुनिया चुप नहीं रहेगी मन्नत। तुम्हें उस नाम से पुकारा जाएगा, तुम्हें उस नाम से आवाजें दी जाएगी। पर तुम तो इतनी बेगैरत हो, तुम तो शायद गाली को भी तारीफ समझोगी, पर अम्मी के बारे में तो सोचो मन्नत। अम्मी पे क्या बीतेगी जब पूरी दुनिया तुम्हें सुभान की। भी वक्त है मन्नत, संभल जाओ, समझ जाओ और मान लो, बता दो सबको कि तुमने मुझे नीचा दिखाने के लिए सुभान के साथ क्या खेल खेला है। बता दो मन्नत, बता दो। मैं तो तुम्हें माफ करने से रही, शायद खुदा तुम्हें माफ कर दे। इबादत तुम यार, ये दोनों लड़ने से बाज नहीं आएंगे, कोई मुझे रूम तक पहुंचा दो प्लीज। मन्नत खबरदार, सुभान को छूने की कोशिश भी मत करना मन्नत।
मेरा शौहर है, उसे कमरे में लेकर मैं जाऊंगी, समझी? मन्नत, मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता? एक बार समझाया, समझ जाओ। सुभान के करीब जाने की कोशिश मत करना मन्नत, वरना आज तो पहली मंजिल से फेंका है, अगली बार सीधा छत से धक्का मार दूंगी। और सुभान की हालत देख लो, इस बार तो वो भी नहीं आ पाएगा बचाने। चलो सुभान। हमारी वजह से तुम्हें बहुत दर्द, बहुत तकलीफें सहनी पड़ रही है ना सुभान, पर क्या करो, ये सारी तकलीफें तुमने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत में लिखी है। ना तुम मन्नत की बातों में आते, ना तुम मेरी सफाई सुनने से इनकार करते, ना तुम मन्नत के साथ शादी करने का फैसला करते, और ना ही तुम्हारी जिंदगी में ये दर्द, ये तकलीफें, ये परेशानियां आती। खैर, मैं दुआ करूंगी कि ये तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें जो है मन्नत के हिस्से में चली जाए। आखिर तुम्हारी तकलीफों की वजह ये मन्नत ही तो है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही तकलीफ है, उसका नाम है मन्नत। जानती हूँ मैं सुभान, ज्यादा बोलो मत, तुम दर्द में हो। चलो भाभी, मैं करता हूँ। आराम से, आराम से आ जाओ। अम्मी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई आने वाला है क्या? आप बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हैं। कौन है ये औरत? वो आने वाला नहीं है। दुआ को उस औरत के बारे में बताना ठीक नहीं है, वरना दुआ खामखां परेशान हो जाएगी। क्या सोच रही हैं अम्मी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? घर में इतने हंगामे हो रहे हैं दुआ, तो परेशान होना तो लाजमी है ना। मन्नत की वजह से सब बहुत परेशान हो गए हैं। अम्मी, आपने देखा ना, इबादत ने कितनी अच्छी तरह से हालात संभाले हुए हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, सब ठीक होगा। अम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है दुआ, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाहर टहल कर आ जाऊं तो ठीक लगेगा। जी, मैं आती हूँ।